मुंबई में बारिश का मौसम एक और बार फिर से लौटा है और वही जो प्रॉब्लम हर साल लाता है एक और बार लाया है। जी हाँ, हम खड्डे की बात कर रहे हैं। हमारे साथ सीपी टैंक एरिया के जो सारे टैक्सी ड्राइवर हैं, जो दिन के हर एक टैक्सी में 100 से अधिक लोगों को ले जाते हैं और 50 से ज़्यादा चक्कर मारते हैं, हम इनसे समझेंगे कि क्या जो है चेंज आना चाहिए और किस तरह की तकलीफें से उनको चलाना पड़ता है। पहले हम आपसे समझना चाहेंगे कि आप टैक्सी चलाते हैं तो ये जो गड्ढे हैं फिर से एक और बार आ गए हैं, उन्होंने सिर्फ पैचवर्क किया था, ये रास्ते फिर से खुल गएंगे, क्या कहेंगे? मेरे को लगता है अभी 15 दिन पहले किया था उन लोगों ने, तो अभी वापस दो एक बारिश गिर गया वापस गड्ढे चालू हो गए। इसमें से चलाने के लिए बहुत तकलीफ हो जाती है, पूरा कमर पकड़ लेता है, आगे से हम लोग के टायर सस्पेंशन सबकी वाट लग जाती है। आप इधर से जाके आप आगे तक देखो, इधर का ही मत देखो, पूरा इधर से लेके चन्नी रोड तक देखो, पूरा खड्डे ही खड्डे है। आप इधर देखो उधर भी खड्डे है, तो गाड़ी चलाएंगे कैसे हम लोग? बहुत मुसीबत होती है। अभी हम बोलेंगे तो हम बोलेंगे कि इसको टैक्सी वाले का कोई सुनता नहीं, बराबर की नहीं। तो ये सब चीज़ के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए कि वह खड्डा गिर गया तो तुरंत, आज नहीं होएगा कल होएगा, कल आके तुम करके जाओ ताकि दूसरे को तली। अभी देखो स्कूल के बच्चे भी जाते हैं बाइक पे से, एक दिन सुबह ही गिर गया उधर जो खड्डे में से गिर गया, तो ये सब बनाना बहुत ज़रूरी है, तो ये तकलीफ हल्की हो जाएगी। हमारा यही निवेदन है जो गवर्नमेंट है सरकार है उनके लिए बस। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा था कि बारिश शुरू होने के पहले सारे गड्ढे भरे जाएंगे, तो इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? लेकिन गड्ढे तो फिर से एक और बार लौट आए हैं। बोलो बोलो। गड्ढा वापस बनाया था फिर वापस बिगड़ गया, और इसको वापस बनाया जाए जल्द से जल्द। वो बनना चाहिए ना, वैसे बन नहीं रही है, मतलब थोड़ा सा नॉर्मल पांच लाते हम लोग खुद देख रहे हैं, जो मतलब गोनी भर के लाते हैं उधर डाल देते हैं, फिर वैसा ठोक देते हैं, फिर हो गया, फिर वापिस एक रात को बारिश गिर जाएगा ना, सुबह वापिस खड्डा वही मुरा होता। जैसे कि साहब ने बताया कि वो भरे जाते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको लगता है ये जो भरना हो रहा है कि एक सिर्फ दिखावा है? कुछ भी नहीं कर रहे, उनको करना जरूरी है ये गवर्नमेंट को, क्योंकि सीमेंट रोड होने को टाइम है, तो खड्डे तो बुझाए बराबर। लेकिन गाड़ी को इसमें इस दौरान क्या नुकसान पहुँचता है? गाड़ी को तो शॉकअप जा रहा है, सस्पेंशन का काम निकल रहा है, टायर जाता है, बहुत कुछ जा रहा है, नुकसान तो बहुत हो गया हमारा। गाड़ी का चलाने का दिल, मगर किसको बोले हम, गड्ढे डालने के लिए जान जाते, किसके पास कंप्लेंट करें? आप सिर्फ एक टैक्सी ड्राइवर नहीं, बट आप वाकई में एक पैसेंजर भी है, जिस दिन अगर आप अपनी स्कूटी से जा रहे हैं तो भी एक ये चिंता का विषय है। नहीं बराबर है, ये आप बोल रहे हो वो बराबर से, मेरे पास भी एक्टिवा है, मैं भी आता हूँ, तो एक खड्डा बुझाने के दूसरा खड्डे में जाओ तो उधर गिर जाता है। मैं आपको अभी थोड़ा टाइम बताया कि स्कूल का बच्चा एक गिर गया उधर, जो मतलब उसके पेरेंट्स लोग लेके पीछे बैठा था और आगे से एक बीच बने एक खड्डा उसने ये किया और दूसरे में गिर गया, तो हम लोग खुद भाग के उठा गए, वो बेचारा कपड़ा उसका बच्चे का गंदा हो गया, वो घर पे गया। तो मेरा एक ही ये निवेदन है कि वो होना चाहिए फटाफट, जैसे कि खड्डा हो गया तो तुम रात को आके करो ना, पूरा दिन तो तुम नहीं कर सकते, तो रात के आओ तो उसको ढंग से करके जाओ ताकि वो वापिस कभी उधर खड्डा होना नहीं चाहिए। आप दिन भर इतने घंटे टैक्सी चलाते हैं कि आपकी पीठ दर्द नहीं करती ऐसे इन रास्तों पर, गड्ढों वाले रास्तों पर चला? तो होती है दर्द, तो होती है, किसको बताएगा हमारा दर्द, कोई सुनने वाला है ही नहीं। सिंधे साहब ने बोला खड्डा मुक्त मुंबई, ठीक है, खड्डा भरने के लिए आते हैं, वो केमिकल यूज किए वो डालते हैं सब, डांबर का तो रोड बनाते है ही नहीं, वो जो केमिकल यूज डालते हैं वो एक बारिश में निकल जाता है पूरा। अगर उन्होंने डांबर का किया सही ढंग से, रोलर विलर घुमाया तो वहाँ पर खड्डा गिरेगा ही नहीं, गोनी भर के लाके वो केमिकल का डाल देते वो चले जाते, उतना देर के लिए खड्डा भर दिखता है भरेला, एक बारिश जोर का आ गया तो खड्डा पूरा वापस वैसा ही हो जाता है। आपको क्या लगता है कि बीएमसी और जो पॉलिटिशियन है क्या ये झूठे वादे दे रहे हैं, और जिसे मुंबई की भाषा में हम थूक पट्टी कहते हैं, कहीं ना कहीं ऐसा हुआ है? हाँ थूक पट्टी है ये तो थूक पट्टी है ना, अगर सही ढंग से काम करेगा तो रोड उखड़ेगा ही नहीं। आज हाईवे पे अपन जाते तो वहाँ पर जो डांबर का रोड है वो कई कई जगह पे खड्डे है, लेकिन उन लोग बराबर पैच मारते हैं उधर। यहाँ पर तो क्या है, एक जीप में लाते हैं इतना मटेरियल लाते हैं डाल के, वैसे ही दबा दबा के चले जाते हैं, बारिश आ गया जोर का तो वो पूरा खड्डा हो जाता है वापस, ये थूक पट्टी है ना ये तो।
जैसे कि आपने सुना कि मेरे पीछे जो सीपी टैंक के टैक्सी स्टैंड पे हम यहाँ पर खड़े हैं, ये सारे मेरे पीछे टैक्सी ड्राइवर्स हैं, वो कहीं ना कहीं अपनी कंप्लेंट्स, अपना दुख दर्द आज तक को बताते हुए आपको एक और बार इस रास्ते का नज़रिया दिखा देंगे कि किस वजह से उनकी शिकायतें हैं। हर साल की तरह इस साल भी बारिश ने कोहराम तो मचाया ही मचाया, लेकिन अब देख पा रहे साफ तौर पर रास्तों की क्या हालत है। ये फिर से एक और बात विवाद शुरू हो गया है इसी मुद्दे पर कि रास्ते पर खड्डे या खड्डे में रास्ता, ये चांद का नज़रिया नहीं है। हम सीपी टैंक एरिया के पास है जहां पर आप देख पा रहे हैं कि जो वाहन है दो पहिए वाले या चार पहिए वाली गाड़ियां वो कैसे बच बच के जा रहे हैं। कुछ टैक्सी ड्राइवर्स ने हमें बताया कि आज सुबह भी एक स्कूल का स्टूडेंट जो है, छात्र स्कूल जाने के दौरान कैसे गिर गया, और जिस तरह के ये गड्ढों की साइज़ है ये काफ़ी निराशाजनक है और चिंताजनक भी है। ख़ास तौर पर जब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा था कि खड्डा मुक्त मुंबई होगा, और बीएमसी के भी हर साल के झूठी दिलासा या उनके झांसे में आने वाले लोग, उनको तकलीफ़ों से जूझना पड़ता है। एक और बार अगर आप नज़रिया देखेंगे तो आप देखेंगे कि ये जो दो पहिए वाला वाहन है कैसे बच बच के जा रहा है। इस पर सिर्फ पीठ को नुकसान नहीं होता, जिनको ऑलरेडी बैक इश्यूज होते हैं उनको स्पाइनल कॉर्ड में दिक्कत आ सकती है, स्लिप डिस्क वगैरह हो सकता है, गर्भवती महिलाओं के लिए भी मिसकैरेज के चांसेस बढ़ जाते हैं। जैसे आप ये स्कूल बस देखेंगे कि कैसे स्लो जाती हुई गाड़ियों को नुकसान पहुंचता हुआ, ये नया साल है लेकिन वही कहानी। हालांकि इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं आया है। क्या बीएमसी इस बार भी हर साल की तरह कुछ नहीं करेगी, या इस रास्ते को सीपी टैंक के पास में एक और बार अच्छे से स्मूथ और लेवल देखने मिलेगा। कैमरामैन सिद्धेश के साथ देव कोटा का आज तक मुंबई।